होता था कि जो है समुद्र नदी पार किया और कहता था कि अपने बोट को जला दो, बर्न योर बोट, बोट को जला दो। और दूसरे राजा कहता था बोट को तैयार रखो, हारने लगेंगे तो भाग जाएंगे। आपके अनुसार क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए। बहुत करेक्ट समझ रहे हैं। आप सब लोग इन्फॉर्म कर दिया आगे पहला 5 मिनट होगी। तो आपको यही समझना है कि बर्न योर बोट सिस्टम में चलना है। और जो राजा भागने की प्रवृत्ति सोच के चला था वो राजा हारा ही नहीं, उसके अधिकतर सेना मारे गए। और जो राजा सोचा कि बर्न योर बोट सिस्टम में चलेंगे और बिल्कुल डू और डाई, हम जीत के जाएंगे या फिर मर के जाएंगे, दो में की होगा, वो राजा मारा भी नहीं गया, अधिकतर क्या हुआ उसका सेना भी नहीं, जीत के गया, विनर हुआ। उसी में कई राजा का हिस्ट्री पढ़ चुके होंगे। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके अंदर में जो वहां डू और डाई का सिस्टम था, जो मारे जाते वैसी जगह में लोगों ने इतना हिम्मत किया है तो आप आईएएस की तैयारी में, अपने करियर की तैयारी में इतना डरे हुए क्यों है? भागने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं रखना है। जो भागने की प्रवृत्ति रखेगा वो जीवन में भागते ही रह जाता है, चाहे वो सेमिनार से भागे या कॉलेज से भागे, अपने करियर से भागे और जिंदगी के हर दौर पर भागे। आपके सामने भी देखे होंगे कुछ लोग नियम पूरा करने आए और उधर चले गए, जिनके लिए स्ट्रक्चर लगाए गए वो भी चले गए। देखो आप लोग के अंदर में कॉन्फिडेंस था, आपके अंदर में दृढ़ संकल्प था, वो आप लोग डटे हुए हैं। आप ही लोग जैसे आगे बढ़ते हैं और आप ही लोग जैसे लोग सक्सेस होते हैं। भागने वाले भागते रह जाते हैं। तो आप लोग को मैं एक बार खुद अपने ओर से थैंक्स कहूंगा कि आप लोग बढ़िए आगे और आगे भी बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके पास 10 मिनट के लिए अभी और फ्री मोमेंटम आएंगी जिनके बारे में डिटेल आपके ऑडियंस बताएंगे, क्योंकि मैं वो करूँगा, क्योंकि एकक व्यक्ति जो आपके सामने आके चले गए हैं वो आपको एकक दिन का आपके सामने बात कर सकते हैं और आपको गाइड कर सकते हैं। तो फिर भी हम लोग ने भी एक तय किया कि नहीं, एक सीमा तक ही रखेंगे, एक कम्पैक्ट बात करेंगे और आगे जो है आप लोग के पास यहाँ मिलते भी रहेंगे। मैं लास्ट में अपने पास फिर से 5 मिनट के लिए आऊंगा, मैं कोई बात करने नहीं आऊंगा, सिर्फ आप लोग से पूछने आऊंगा, मिलने आऊंगा। बाकी आप 10-15 मिनट आप लोग जो है मेरी मोमेंटम के आप लोग सुनेंगे और